Hello and assalamu alaikum listeners and viewers. This is me, your host Fahad, Younis, and show hai Meri Kahani. Aur jana Meri Kahani mein, jaise ki aap log jante hain ki hum log apne har episode mein Pakistan se aur duniya bhar se taluq rakhne wale aise logon ko invite karte hain ki jo hamare show mein aakar ke apni zindagi ki kamyabi ki kahaniyan sunate hain, jisse aur bhi bahut saare log motivate hote hain. To jana isi tarah se aaj humne apne live studio mein daawat di hai Subhan Ali Syedain ko, aap hamare saath लाइव है इस्लामाबाद से. और सुभान अली सैयदैन एक आईटी एक्सपर्ट किड हैं. इनके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे. ये बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने की, बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की. तो आज हम इनकी कहानी सुनेंगे इन्हीं की जबानी. वक्त को ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ेंगे और सुभान से बात करेंगे. सुभान, अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज़. कैसे हैं आप, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला. सुभान, हमारे सुनने और देखने वाले जानना चाहेंगे कि सुभान अली सैयदैन कौन हैं, क्या करते हैं और माशाल्लाह आपने अब तक क्या क्या किया है, जरा बताइएगा. मैं सुभान अली सैयदैन आपसे बात कर रहा हूँ और मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट एट द एज ऑफ 7 years. तो ये बताइएगा सुभान अली सैयदैन, कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ, कैसे आपने शुरू किया, कहाँ से ये शौक हुआ और कैसे आपने ये कामयाबी हासिल की, जरा कहानी सुनाए आपने. सबसे पहले मेरी बड़ी बहन के पास एक कंप्यूटर था, उस पे अपनी उस कंप्यूटर में उसकी अपनी पिक्चर्स थी. जैसे वो पिक्चर्स डालती थी तो हमें अपने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने देती थी. फिर वो पासवर्ड लगाती, हम पासवर्ड ब्रेक करते, फिर पासवर्ड लगाते, फिर पासवर्ड ब्रेक करते. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड की टेक्निक्स हम लगा कर फिर हम ब्रेक करते थे उसका पासवर्ड. तो जब मेरी बड़ी बहन ने सोचा कि वो माइक्रोसॉफ्ट करेगी अल्फा क्रीम को देख के, तो जैसे उसने किया उसके बाद मेरे बड़े भाई ने किया, उसका भी शौक डेवलप हुआ. उसके बाद फिर मैंने किया. मैंने कहा अगर वो दोनों कर, मेरे बड़े बहन भाई कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो फिर उन्हीं को देख के मैंने भी किया. तो सुभान अली सैयदैन, हमें ये बताएं कि आपके पीछे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं माशाल्लाह, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपने अब तक माइक्रोसॉफ्ट से हासिल किए हैं? माइक्रोसॉफ्ट से सबसे पहले मैंने MCITP, MCTS और MCSA सर्टिफिकेट मैंने हासिल किए हैं, जिनके मतलब है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट. एंड व्हेन आई डिड आई वाज ओनली 7 years old. माशाल्लाह. तो जरा ये बताइएगा सुभान कि अभी जो है वो आपकी एज कितनी है, क्लास कौन सी और कैसे मैनेज कर लेते हैं स्कूल को और इस काम को? अभी मेरी एज 11 इयर्स है. मैं स्कूल को मैनेज ऐसे करता हूँ कि जैसे सुबह दोपहर को स्कूल से वापस आता हूँ मैं, तो थोड़ा जब हम होमवर्क करते हैं, होमवर्क करने के बाद हम 2-3 घंटे हम उस पर लगाते हैं पढ़ाई पे, और उसके बाद till 11 PM हम कंप्यूटर का काम करते हैं. सुभान, ये बताएं जरा कि आपकी उम्र के और बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, वो लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्या ऐसी चीज है कि आपने कर लिया वो नहीं कर सकते, कुछ सुजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक मैसेज है सिर्फ पेरेंट्स को कि जो पाकिस्तान के हर बच्चे में इतना टैलेंट और इतनी सलाहियत है कि वो दुनिया का हर टारगेट अचीव कर सकता है अगर उनको रिसोर्सेज मिले. तो आप कुछ जो है वो जरा हमें इस बारे में बताइए कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स ने ऐसे सपोर्ट किया कि जैसे मैं स्कूल से वापस आता था तो मामा मुझसे पूछती थी कि स्कूल का दिन कैसा गुजरा, स्कूल में पढ़ाई कैसी हुई, स्कूल में क्या क्या हुआ. उसके बाद फिर मामा मेरे साथ बैठ के मुझे होमवर्क कराती थी. उसके बाद फिर कंप्यूटर के लिए पापा आ जाते थे तो पापा के साथ बैठ के हम सारे टारगेट अचीव करते थे. और मतलब अगर हमने कोई गेम्स खेलनी हो तो हम सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के एक दूसरे के कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं, कभी कंप्यूटर के रिमोट डेस्कटॉप ले लेते हैं.
तो ये बताइए सुभान, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में? मैं बड़ा होकर सर्च इंजन अपना बनाऊंगा और पाकिस्तान के लिए बनाऊंगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान अब्रॉड सर्च इंजन को पैसे देते हैं तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मैं अपना सर्च इंजन बनाऊँ जिससे पाकिस्तान को सहूलत मैसर हो और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। माशाल्लाह, आपका बहुत बड़ा ख्वाब है और हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सुभान अली सैयद हैं, आप जो है वो हमारे शो के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो मेरी कहानी हमारा शो है, इसमें हम लोग अपने मेहमानों को बुलाते हैं ताकि वो अपनी कहानी सुनाएं अपनी जिंदगी की। कुछ कहना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? जी बिल्कुल, आपका शो बहुत अच्छा है और इसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज भी, जैसे हमारे जैसे सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको भी इन्वाइट करें और पूरे पाकिस्तान को आप इसी तरह मोटिवेट करें। सवाल ही सही है। एक फाइनल क्वेश्चन मेरा रह गया है, जो लोग आपको आपके बारे में मजीद जानना चाहें, आपको सर्च करना चाहें फेसबुक पर, आप किस नाम से हैं या किस तरह से वो लोग आपको देख सकते हैं, जान सकते हैं, जरा वो बताइए। आप मेरी फेसबुक आईडी से आप मेरे साथ ऐड कर सकते हैं subhanalisayedain@gmail.com। और हमने एक अपनी बुक भी बनाई है जिसका नाम सिरास है, वो हम अभी उसको लॉन्च भी करेंगे ताकि जो क्लिक बेस है पूरा, किसी भी बच्चे को अगर किसी के सहूलत में जैसे चाहिए तो हम उसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सुभान अली सैयद हैं, आपका काम यकीन काबिल स्ताइश है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला, कुछ मज़ीद बोलना चाहेंगे? जी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप इसी तरह पाकिस्तान के हर बच्चे को मोटिवेट करें। जी इंशाल्लाह, सुभान अली सैयद हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए, यकीन आप जैसे लोगों की वजह से हमारा शो कामयाब भी है, हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपके साथ रब्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया, Love face.